हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप वर्ग 8वां के हिंदी पढ़ने जा रही हूँ। पहला पाठ का नाम है पुलिंदा है, तो इसके इस पंक्ति का चौथे पंक्ति का अर्थ मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक बार मैं कविता पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। हमारे घर वहाँ पे मंजिलों का इंतजार है, हमारे घर वहाँ को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधिया ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तू। इसका मैं हर बोर्ड पर लिखती हूँ, आप लोग इसे कॉपी में लिखिए। मैं और बता रही हूँ। कभी कहता है कि जन समूह एक निश्चित लक्ष्य की प्रतीक्षा में है, लोग अति उत्साहित है कि वे बिजली के समान सारे देश में विचार पैदा कर सकते हैं। इसलिए हम ऐसा कर्म और परिश्रम करें कि हमारा देश सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो जाए। यह चौथा पंक्ति कविता का अर्थ इसे लिख लेंगे। इसके बाद मैं पांचवी पंक्ति कविता उसका अर्थ बताऊंगी। बच्चियों, मैं आप लोगों को चौथी पंक्ति का अर्थ बता चुकी हूँ, और मैं पांचवी पंक्ति कविता पढ़ रही हूँ, उसका अर्थ बोर्ड पर लिख दे रही हूँ। आप लोग इसे कविता को ध्यान से सुनिए, उसके बाद अर्थ को लिख लीजिएगा। कविता है, जमी के पेट में पली आग पले हैं जल जले, जमी के पेट में पली अगन अगन पले हैं जल जले। टिके न टिक सकेंगे सुख रोग के स्वराज ये, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तू जिंदा है। इस कविता का अर्थ मैं बता रही हूँ, आप लोग अपने कॉपी में लिखिए। कवि कहता है कि जिस प्रकार धरती के गर्भ में आग तथा भूकंप छिपा होता है, उसी प्रकार हमारे दिल में स्वराज प्राप्ति की धूप धड़क रही है। कवि के कहने का अर्थ है कि हमारे दिल की आग सारी मुसीबतों को कुचल कर विस्फोट कर सकती है। यदि हम सारे देशवासी संगठित होकर अपनी आज़ादी का प्रयास करें। या पांचवी पंक्ति कविता का अर्थ है, आप लोग इसे लिख लीजिए। कल मैं लास्ट छठा पंक्ति का अर्थ बताऊंगी। कल यह पाठ पहला पाठ समाप्त हो जाएगा, इसलिए आज तक इतना ही रान दीजिए। ओके, ठीक है।